रात को एक बड़ा हादसा पेश आने से टल गया। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रात गुज़श्ता रात देर शब मोहोर से चसाना की जानब जो रोड जा रहा है, मोहोर रजौरी की तरफ जो रोड जाता है, उस रोड पर बग्गा से जाते हुए नीचे जब बदोरा का एक पुल आता है, जो पुल लेने ग्रिप की जानब से बनाया ग्रिप के अंडर आता है, वो पुल एकदम से गिर गया, टूट गया। कारण क्या रहा पुल टूटने का? ड्राइवरों की हमाकत, इतनी बेवकूफी कि दो डंपर वाले एक लोहे के पुल पर एक साथ चढ़ जाते, एक साथ पार करने की कोशिश करने कर रहे थे, यानी हमाकत की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन कहीं न कहीं ड्राइवरों की भी बहुत बड़ी जो है हमाकत है या बेवकूफी है। जिस तरह से उन्होंने एक साथ जो है पुल को पार करने की कोशिश की, वहीं दूसरी जानब कहीं न कहीं ग्रिप का जो अमला है, ग्रिप के जो माहरीन हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है, क्योंकि पुल जो है अब बहुत पहले का बना हुआ था, वो सीधा हो चुका था। उनको भी इस पर जो है देख रेख करनी चाहिए थी, क्या ये पुल कहीं कहीं बार गिर तो नहीं जाएगा, कहीं ये बोसीदा तो नहीं हो चुका, कहीं ना कहीं ग्रिप की भी नेग्लिजेंसी है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमाकत है वो ड्राइवरों की है। बताया जा रहा है कि दोनों ड्राइवर जो है रजौरी के कोटरंका इलाके के रहने वाले अमजद खान और शौकत अली, दोनों ड्राइवर जो है नॉर्मली तौर इंजर्ड हुए, जख्मी हुए, और इनको नज़दीकी जो है हेल्थ सेंटर में तिबी इमदाद दी गई है। लेकिन इस वक्त जो है मोहोर सब डिवीज़न मोहोर का चसाना तहसील है, और पूरा पूरा का पूरा तहसील इन्हें इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुका है रियासी मोहोर से, और रजौरी की जानब जो गाड़ियाँ जाती वो भी इस वक्त बंद है। बिल्कुल जो है तमाम हज़ारों लोगों को वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त की जो अपडेट है, वहाँ पर SDM मोहर मजहर हुसैन शाह साहब भी पहुँचे, वहाँ मुतबादल रास्ता निकालने की वो जो है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो जानकारी, वहाँ काफ़ी तादाद में लोग जो है धर्मंदा हो चुके, कहीं शादियाँ भी उस आर पार रुकी हुई है, लेकिन रास्ता अभी मुतबादल नहीं बन पाए हैं। फिलहाल के लिए कोशिश की जा रही है कि मुतबादल रास्ता बनाया जाए, ताकि फिलहाल के लिए ट्रम्पेली वहाँ लोग जो है पार हो सके और मजबूरी का जो वक्त है उसको गुजारे। लेकिन अब जो ये बड़ी बात है कि वहाँ उस पुल को बनाने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि पुल पूरा टूट चुका है, दोनों डैम्पर पुल के साथ ही नीचे नाले में गिर गए हैं। और सबसे बड़ी हमाकत उन लोगों की ये, वहाँ की तस्वीरें क्या हैं देखिए, इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वहाँ की तस्वीरें क्या हैं। गुज़श्ता देर शब जो है हादसा पेश आया, लेकिन सबसे खुशकिस्मती की बात यह है कि कोई भी पैसेंजर गाड़ी, यानी कोई भी अगर पैसेंजर गाड़ी इस दौरान जो है नीचे गिरी होती तो कहीं कीमती जानों का जिया हुआ होता। लेकिन सबसे खुशकिस्मती की बात यह है किसी भी जानी नुकसान का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं परेशानी का सामना है। पूरा जो है इलाका है वो इस वक्त सब डिवीज़न माहौर से डिस्कनेक्ट है, और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग अभी धर्मांधा। फिलहाल के लिए कोशिश की जा रही है कि कभी मुतबादल रास्ता निकाला जाए, लेकिन कब तक कितना टाइम लगता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए कोशिशें जारी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि मुतबादल रास्ता बनाया जाए वहाँ आर पार होने के लिए।
देखो सर क्लास कैसे हो रहे हैं। इंद वाली